जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये लीजिए, कन्हैया रेडी हो गया है जल्दी से हमारी प्यारी युगल सरकार जी को लाने के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं, जल्दी से पानी पिया। और यहाँ हमारे करुआ बिहारी जी और पूरा परिवार जो है इंतज़ार में है, और हम निकल लिए हैं। और मैं क्या बताऊँ, सारी तैयारियाँ मतलब सब प्रभु के आने से पहले ही सब धन धान्य सब करके यहाँ हमारी छोटी सी गाड़ी जो है लाडू के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि प्रभु ने एक लीला की थी, वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। उसी अनुरूप जो है हमने वो सारी व्यवस्था हैंड टू हैंड सुबह सुबह में ही ये सब करवाई, और जल्दी से जाके कन्हैया बैठ गया है और सब जो है उनको विदा करने आए हैं। और क्योंकि अभी इन्हें पीछे से भी तैयारियाँ करनी है, और अब हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा आज शॉर्ट मैं ही बना रही हूँ, पीछे भी एक गाड़ी है, तो हम जो है दो के साथ निकले। कारण था क्योंकि लीला के अनुरूप जो है प्रभु एक गाड़ी में आएंगे और साथ में अपने एक भक्त के साथ में, तो और हम पीछे की गाड़ी में रहेंगे। तो इसी रूप जो है प्रभु ने इस लीला को पूर्ण करवाया। तो मैंने ये बीच में एक दो शॉर्ट्स, इन लोगों की बातें चल रही थी, लेकिन किसी को भी ना सच कहूँ वीडियो बनाने का किसी को कोई क्रेज़ी नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे आप सबका ध्यान भी है तो मैंने कहा अभी भाई कोई बना लो, कोई फ़ोन पकड़ लो, अरे कोई वीडियो बना लो। लेकिन मैंने खुद ही ये देखो बैठ बैठ के बीच बीच में से ही वीडियो के कुछ शॉर्ट्स इस बार ले लिए, क्योंकि जब एक्साइटमेंट और एक अलग भाव होता है ना तब ये वीडियोस ध्यान नहीं आते। लेकिन हाँ, भक्त परिवार है भाई, सबको आनंद भी देना है, तो कुछ वीडियोस हमने बीच बीच में आप सबके लिए मैंने इकट्ठे कर लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये है फ्लाईओवर और ये पड़ता है ग्वालियर रोड। अगर आप क्योंकि ये जो है हैदराबाद साइड से जो है भक्त आने वाले हैं, हम यहीं पर जो है उनका वेट कर रहे हैं। हम 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गए, क्योंकि हमारे प्रभु को वेट ना करना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये पड़ता है बाद ककुआ का फ्लाईओवर है ग्वालियर रोड से, और हमें यहीं पे इंतज़ार करना था। अरे ज़ोर ज़ोर से हमने गाने बजाए हुए थे, सबको लग रहा था इसमें दुल्हन बैठी हुई है। अब सब झांक के देख रहे थे, दूल्हा दुल्हन तो किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था तो सबको लग रहा था पता नहीं भाई कहाँ से कौन दुल्हन आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे खड़े थे हम, जहाँ से भी गाड़ी आ रही थी भी सबको ऐसा ही लगता है। हमने तब तक जो है प्रभु के न्योछावर के लिए, क्योंकि अन्न धन धान्य जो भी हो सकता है उसका छोटा छोटा अंश जो है प्रभु की न्योछावर के लिए हमें लेना था। और कि जल्दबाजी इतनी थी कि आप सोच सकते हो कि मतलब आपको एक एक दिन में सारी व्यवस्थाएं करनी है, और ऊपर से दिमाग चल रहा है या ढोल वाले भी बुलाने हैं, प्रभु की एंट्री ऐसे कैसे हो जाएगी, है ना। क्योंकि हम सच कहें तो हमें तो लीला भी भूल जाती है, लेकिन जब लीला पूर्ण होने लगती है तब हमें पता चलता है अरे इस स्वप्न में ऐसे ही तो हुआ था। तो वही सारी चीज़ हमारे यहाँ चल रही थी, और हम जो है इंतज़ार कर रहे थे, गाने बज रहे थे बहुत तेज़ तेज़, मन तो कर रहा था यहाँ पर नाचना शुरू कर दें, लेकिन तब तक जो है भक्त जो है आ गए थे प्रिया प्रीतम को लेकर। और मैं आपको नाम भी आज जो है करूँगी। और यहाँ पर जो है प्रभु के यानी करुआ के पहनी हुई साड़ी जो है उपहार में प्रभु ने अपने भक्त प्यारी सी भक्त को दिए, जिनके यहाँ से ये प्रभु सेवा जो है आई है। और ये उनके प्यारे दो छोटे से बच्चे, सभी न्योछावर करवा के प्रभु को बहुत आनंद, मैं बता नहीं सकती कि ये जितनी भी चीज़ें हो पाती है वो सब प्रभु ही करते हैं। हमें स्वप्न में ये भी बता दिया था कि राधा ऊपर है, यानी ऊपर वाले उसमें हैं, तो वो मैं लीला आपको बाद में बताऊंगी। और आप यकीन मानिए शायद उन्हें भी इस बात का याद नहीं था कि राधा ऊपर वाले बॉक्स में हैं, वो सब हमें पहले से ही पता था, सोना ने जाते ही बता दिया था। और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अलग थी, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती वो समय हमारी क्या कंडीशन है वो मैं नहीं बता सकती। दुनिया के लिए ये बॉक्सेस में, बट हमारे लिए वो पूरी तरह बाहर थे। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो पूर्ण करनी होगी, और ये उनके प्यारे से लाला हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं। प्रभु अब उनके यहाँ दूसरे स्वरूप में आएंगे, क्योंकि उनके बालक छोटे हैं। इस स्वरूप में प्रभु को सेवा शायद इस घर में पानी थी, इसलिए प्रभु ने अनंत लीला रच डाली एक साल से, और प्रभु यहाँ आए और खूब सारा आशीर्वाद इस परिवार को देते हुए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए हम
अब मैं तो ब्रज भाषा पे आ जाती हूँ। हमें छोरा लेके आएगा बहू, और पता है आपको इतनी जल्दी की इसने, लाला ने, कि आप सोच नहीं सकते हो। फटाक से हमसे पहले ही भाग गया आगे, ठीक है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसको रोक ना ले, ठीक है। यहाँ पर ढोल वाले भी आ गए और हम कह रहे रुक तो जाओ भाई, ढोल वाले आएंगे। ओ लड़का रुके ही नहीं, मैं ड्राइवर भैया को फ़ोन करी, भैया रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ कह रहे थे। हम लोग हंस रहे थे, मैंने कहा देखो इसको कितना डर है कि कहीं भैया उसको कोई रोक ना ले। और यहाँ पर ढोल वाले, क्योंकि अब हम गाड़ी में थे तो वीडियो बनाने में थोड़ा वो हो रहा था, पूरी जगह पे मतलब बहुत अच्छी वाइब्स थे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो मैं कुछ साउंड आपको अभी सुनाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी की आनंद मतलब बहुत ज़्यादा था, और सब उस आनंद को पूरी तरह इंजॉय कर रहे थे। मम्मी और बहू जो है जल्दी से वो भी नीचे आ रहे थे, क्योंकि हम अचानक से आ गए थे, फ़ोन हमने किया नहीं था, वो तो ढोलक की आवाज़ सुन के आ गए थे। और आसपास कुछ लोगों मतलब लोगों को लग रहा होगा भगवान जाने इनके यहाँ क्या होता रहता है, रोज़ किसकी शादी होती है या कौन होता है, क्योंकि जहाँ से सड़क से हम निकले तो सब लोग बहुत बहुत चक्के देख रहे थे, बट सबकी नज़र जो है गाड़ी की तरफ थी कि अंदर है कौन, मतलब कौन दुल्हन है। अब दुल्हन तो भैया हमारी ऐसी है कि वो सबको नज़र नहीं आती, और वो नज़र सिर्फ तभी आती है जिस जब उसके लिए अतः प्रेम हो, अनंत प्रेम हो, और ऐसा प्रेम हो जो इतना गहरा हो, फिर वो सबको नज़र आती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सर्वेश्वरी ऐसे ही सबको दिख नहीं सकती, ऐसे ही सबको नज़र नहीं आ सकती। उसको देखना है तो आपको वो आंखें खोलनी होंगी जो बहुत 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 प्रेम के बाद ही उनके दर्शन पाती है कि नहीं। तो बस इस आनंद का अनुभव हम सब ने किया, बहुत आनंद किया। बस ये कुछ शॉर्ट्स आप सबके लिए, सब इसी आनंद को दर्शा रहा है। सब इतने अधिक आनंदित है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभु सीधे हमारी राधा रानी,
हमारे प्रिय प्रीतम, उन्होंने जो अपनी आंखें मिलाई, जो प्रथम दर्शन हुए, वो हमारे करुआ बिहारी जी, हमारे करुआ बिहारी जी ही हैं वो, वही हमारी श्रीमती राधा रानी है, इस ब्रह्मांड की सर्वेश्वरी इस घर में पधारी हैं। मेरी तीसरी बहू रानी आई है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं शब्दों में क्या बयान करूँ, कुछ चीज़ें शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। और ऐसे ये सभी वेलकम जो है, बहुत जल्दी में ये छोटा सा वेलकम हमने किया। बच्चों ने ये तैयारी सब की थी। हम लोग सुबह निकल गए थे और अब होगा प्रभु। अब ये हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, यानी 11 तारीख है और कल विवाह है। और आज भी इतनी सुंदर लीला की है, आप सोचिए, आज राधा रानी ने इतने सुंदर स्वरूप में दर्शन दिए हैं। उन्होंने कुछ पूजा विधि बताई है जो कल हमें पूर्ण करनी है और उसी अनुरूप जो है वो सारी चीज़ों को करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पाप के भागी भी बन सकते हैं, इसलिए हमें कल उस चीज़ को पूर्ण रूप से करना होगा। तो उसी तैयारी में हमें लगना है और जो भी चीज़ होगी, 5 बजे के बाद राधा रानी के पट बंद करने की हमें पूरी तरह से बताया गया है कि पट बंद होगा और उसके बाद कोई पूजा नहीं होगी। शाम को 5 बजे के बाद कल 12 तारीख को अगर कोई भी भक्त 5 बजे के बाद कल दीप या कोई भी पूजा करता है, ये हमें बताया है, बाकी प्रभु जाने। और यहाँ पर ये सारी जो है शॉपिंग चल रही है हमारे प्रिया प्रीतम की, और जल्दी से, और उनका नाम भी हमने बहुत सुंदर सा उनका नाम रखा है, और नाम है राधिका दुलारी गिरधर गोपाल।